कर्नाटक के सियासी मैदान में किसके सिर सजेगा जीत का ताज, क्या दक्षिण में खिलेगा कमल, हाथ को मिलेगा जनता का साथ, क्या जेडीएस बनेगी किंग मेकर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा आज हो रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है और कुछ मिनटों के बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं और बहुमत के लिए 113 सीटों की दरकार है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। बीजेपी की मौजूदा बोमई सरकार के सामने सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जेडीएस का भी कहना है कि चुनाव परिणाम में उनकी पार्टी किंग मेकर बनेगी। कर्नाटक में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। बीजेपी को उम्मीद है कि ये रिवाज बदलेगा। इन सबके बीच रिजल्ट निकलने के एक दिन पहले शुक्रवार को कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने दावा कर दिया कि उनकी पार्टी कुल 224 में से 141 सीटें जीतेगी, जिसके जवाब में सीएम बसवराज बोमई ने डीके शिवकुमार पर तंज कसा। बोमई का कहना है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लेट हिम बी हैप्पी विद 141 टिल टुमारो, द रियलिटी विल बी देयर। सर, व्हाट विल बी द चीफ मिनिस्टर्स फेस फॉर बीजेपी सर? दरअसल कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग के बाद तमाम एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिखे। हालांकि सारे एग्जिट पोल में कमोबेश कांग्रेस पार्टी को लीड पोजीशन पर दिखाया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी मानना है कि कांग्रेस की कर्नाटक में जीत निश्चित है। भारत जोड़ो यात्रा और 5 गारंटी की बदौलत कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में वापसी करेगी। ये कुछ संदेह नहीं रहा है, कुछ डाउट नहीं रहा है, कोई शक नहीं रहा है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जिस तरीके से हमें जनता से रिस्पॉन्स मिला, जिस तरीके से हमारे संगठन में एकता और एकजुटता की भावना आई, जिस तरीके से हम भारत जोड़ो यात्रा के समय से एक सकारात्मक कार्यक्रम को लेकर न केवल बम्बई सरकार हटाओ नहीं, पर क्यों हटाओ, 40% कमीशन सरकार हटाओ, और उसके साथ साथ हमने गारंटी भी दी, 5 गारंटी। इन 5 गारंटी के कारण कांग्रेस सरकार गारंटीड है। कर्नाटक के चुनाव नतीजों से बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव का कनेक्शन भी जुड़ा है। कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी ने पीएम मोदी को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा था। पीएम मोदी ने कई रोड शो और धुआंधार प्रचार भी किया था, जबकि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से लेकर मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी मैदान में उतरे थे। अगर कर्नाटक में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो 224 में से 222 सीटों के लिए मतदान हुआ था। 15 मई 2018 को घोषित हुए रिजल्ट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। रिजल्ट निकलने के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई। कुछ समय बाद बीजेपी ने विधायकों को अपने पाले में कर लिया, जिससे सरकार गिर गई। इसके बाद बीजेपी नेता येदुरप्पा ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली, लेकिन बाद में बोमई को कर्नाटक का सीएम बनाया गया था। इन सब के बीच इंतजार है सुबह के 8 बजने का, जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे निकलने शुरू हो जाएंगे और दोपहर 12 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि किसके दावे और चुनावी वादे में दम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ, क्योंकि हम सुबह 8 बजे से लगातार आपको दिखाएंगे कर्नाटक चुनाव के नतीजों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट।